हेलो फ्रेंड्स, सो जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो रूही जो है वो यूवी के खुजली वाला पाउडर डाल देती है, जिससे रूही पूरे कॉलेज में एकदम खुजली करते हुए घूमती रहती है। कि मतलब वो बहुत परेशान होती है, कहते हैं यार रूही उसे बहुत चिढ़ा रही होती है उस टाइम पे, उसकी वीडियो भी बना रही होती है, कॉलेज के बाकी लोग भी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। वो सब पे चिल्लाती, कहती यार ये वीडियो ना बनाओ, मेरा दिमाग ना ख़राब करो। अगर किसी ने भी अपने फ़ोन में वीडियो बनाई ना, उसके लिए ठीक नहीं पड़ेगा। फिर भी सब चोरी चोरी उसका वीडियो बना रहे होते हैं। तो यूवी कहती है कि ठीक है, तूने किया ना मेरे साथ, ये तो जरूर कभी बताती हूँ। ये कह के वो उसके पीछे दौड़ती है, तो रूही एकदम से वहाँ से भागने लगती है। तो उसकी खुजली इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि यूवी का बहुत परेशान हो जाती है और वो फिर से खड़ी हो जाती है एक जगह। तो हमारी रूही मैडम गाना गाती है वहाँ कि बड़े काम का बंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र, अरे गौर से देखो सभी रूखी खूबी इसके अंदर, जो दे इसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो युविका को और गुस्सा आता है, कहती हो तो मैं तुम बाद में देखती हूँ, तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो ऐसे ही उसे काफ़ी देर तक परेशान होने देती है, और खुजली करते करते युविका की हालत बहुत गंदी होने लगती है। मतलब इतनी ज़्यादा वर्स्ट हालत हो जाती है उसकी कि ना तो उससे उठा जा रहा होता है, ना चला जा रहा होता है, वो वहीं बैठ जाती है और उसकी बॉडी रेडनेस आने लगती है। रूही जब उसकी हालत देखती है तो रूही को अंदर से अजीब सा लगता है, तो वो एक ट्यूब निकालती है और अपने मतलब क्लास में जाके वहाँ से अपने बैग से एक ट्यूब निकालती है, लेके आती है और वो युविका के पास फेंकती है। उसे कहती है कि ये लो लगा लेना, ठीक हो जाएगा। युविका कहती है कि मुझे ना तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम पता नहीं अभी मुझे और क्या दे दो, तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ, पता नहीं तुम मुझे ऐसा क्या दे दो, ऐसा और क्या पट्टी पढ़ा दो, मैं और परेशान हो जाऊँ, तुम पे तो मैं भरोसा कभी कर ही नहीं सकती। तो रूही उसके ऊपर वो यूट्यूब जो है फेंक के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि भरोसा करना है करो, और नहीं करना है मत करो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, मुझे तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना था जो मैंने सिखा दिया है, आइंदा ना मुझसे पंगे लेने से पहले 50 बार सोचना, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए कभी भी सही नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ हार जाओगी मेरे साथ पंगा लेने में, तो आगे तुम्हारी चॉइस है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है, तो युविका वो ट्यूब उठा के फेंक देती है और अपने फ्रेंड से कहती है मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो अभी के अभी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अरे यार वो ट्यूब देखे तो गई है, लगा तो लो एक बार। तो कहती है हरगिज़ नहीं, उसकी दी हुई ट्यूब में हरगिज़ नहीं लगाऊंगी, पता नहीं क्या मिला के रखा होगा इसमें उसने, मैं उसका कोई एहसान नहीं लूँगी। तो कहती है अरे यार इसमें एहसान कैसा यार, कहती है एहसान ये एक बार जख्म दो उसके बाद उस पर मरहम करो, उसको तो मैं बाद में देखूँगी, तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास लेके चल रहे हो या नहीं चल रहे हो ये बता दो बस। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ हाँ लेके चलेंगे, लेकिन एक बार ये ट्यूब लगा के तो देख ले यार। कहती है यहाँ कैसे लगाऊँ मैं ये ट्यूब, कहती है वो बात सही है, अच्छा चल यहाँ मेरा घर पास में, मेरे घर चल। तो उसको उसके घर लेके जाते हैं, उसकी एक फ्रेंड होती है उसी के घर लेके जाते हैं, और वहाँ उसकी बॉडी में पूरी बॉडी में वो ट्यूब लगाती है और थोड़ी देर के लिए उसको वहीं पे छोड़ देती है और खुद रूम से बाहर आ जाती है। युविका थोड़ी देर में मतलब करीबन आधे पौने घंटे में धीरे धीरे वो नींद में जाने लगती है और उसकी बॉडी की वो इचिंग सारी ख़त्म होने लगती है।
जब वो आँख उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसे काफ़ी रिलैक्स हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। वो कहती है थैंक गॉड यार ये खुजली बंद हुई, कसम से इस खुजली ने जान निकाल ली थी, पता नहीं क्या ही करके मानती इस रूही को ना मुझे छोड़ना नहीं है, इससे तो मैं अब ऐसा सबक सिखाऊंगा ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। तो ये सोच के वो बाहर आती है अपने कपड़े वपड़े पहन के, उसके फ्रेंड्स वहीं बैठे होते हैं मस्ती कर रहे होते हैं, जो उसे बाहर आता हुआ देखते हैं तो पूछते हैं हाँ बोलो सही हो तुम, तो कहते हैं हाँ सही हो, तो कहते हैं थैंक गॉड देखा उसका दिया हुआ टूप लगाया है, कहते हैं फालतू की बात नहीं, उसके दिए हुए ट्यूब लगाने से उसने जो किया है मैं वो भूल नहीं जाऊंगी, और अब देखो उसका मैं क्या हस्र करती हूँ, अब ये तुम देखते रहो। तो ये कह के वो वहाँ से अपने घर जाने लगती है, तो उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं, कहते हैं कि सुन 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 ये दुश्मनी कब तक चलेगी ये बता, अगर वो तुझे नहीं पसंद है तो उससे बात मत कर, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना, लेकिन इस दुश्मनी को कब तक बढ़ाना है, कब तक, एक बार तू कुछ करेगी एक बार बदला लेने के लिए वो कुछ करेगी फिर तू बदला लेने के लिए कुछ करेगी, हाँ यार हम लोग स्टूडेंट्स हैं क्यों दादागिरी कर रहे हैं छोड़ देना, तो कहती हरेज नहीं, अगर उसे छोड़ दिया ना तो बाकी स्टूडेंट्स भी मुझसे पंगा लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो एक मिनट भी नहीं सोचेंगे फिर मुझसे पंगा लेने के लिए, तो हरगिज नहीं मैं ये तो नहीं होने दूंगी चाहे जो होने दो। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार तू बेवजह का पंगा कर रही है, तो कहते हैं ठीक है तुम लोगों को मेरा साथ देना है दो और नहीं देना है तो मत दो, आई डोंट केयर, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो वहाँ से ये कह के वो चली जाती है अपने घर, जब वो अपने घर पहुँचती है तो किसी से नहीं मिलती, चुपचाप रूम में चली जाती है और रूम लॉक करके सो जाती है। शाम के टाइम करीबन उसके पापा चिल्लाते हुए आते हैं कि युविका कहाँ हो तुम युविका, तो उसकी माँ पूछते हैं कि क्या हो गया आप युविका पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तो कहते हैं इसको बुलाओ लड़की को इससे मैं बात करना चाहता हूँ, तो कहते हैं वो शायद अपने रूम में सो रही है, उसका सोना तो बाद में होता रहेगा उसको अभी के अभी बुलाओ अभी के अभी बुलाओ, कहते ऐसा हुआ क्या है आप इतना क्यों गुस्से में हैं, कहते मैंने कहा ना उसको बुलाओ बेवजह मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो तुम भी। तो फिर युविका इतने 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 आवाज़ें सुनती है तो बाहर आती है, कहती है हाँ पापा बोलो क्या हो गया, ये क्या हरकत मचा रखी है तुमने, मेरी इज्जत का कोई ख्याल है तुम्हें या नहीं है, हमेशा अपने मन की करती रहती हो, एक बार भी ये नहीं सोचती हो कि तुम्हारी हरकतों से मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, तो कहती है मैंने क्या किया है पापा, कहते हैं ये सब क्या है, तो कहते हैं कहाँ क्या है, तो एक वीडियो निकाल के उसको दिखाते हैं जिसमें वो बंदरों की तरह पूरे कॉलेज में घूम रही होती है। तो युविका जब देखती है तो कहती है पापा वो एक्चुअली इसमें मेरी गलती नहीं है, कहते किसी की भी गलती हो आई डोंट केयर, तुम्हें आइडिया भी है कैसे कैसे मीम्स आ रहे हैं मेरे पास, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में, नहीं ना तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ भी कहे, तुम्हें तो वही करना है ना जो तुम्हारा मन कहता है। तो उसके मम कहते हैं अच्छा अब जा, कहते हैं तुम चुप रहो तुम्हारी बिगाड़ी हुई है ये, तुमने अगर इसे संभाला होता ना तो इतना पंगा नहीं होता, तो अच्छा जैसे आप तो इसे प्यार करते ही नहीं है, कहते मैं प्यार ज़रूर करता हूँ लेकिन ये बेवजह की हरकतें बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा ये याद रखना सबके सब। तो वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकलते हैं, बहुत गुस्सा आता है युविका को, युविका कहते हैं इसने मेरे पापा से इतना सुनवाया जिस पापा ने मुझे आज तक कभी नहीं सुनाया इसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे सुनाया, इसको तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगी, ये सोच के अपने रूम में चली जाती है और सोचने लगती है कि क्या प्लान करूँ कैसे इसे सबक सिखाऊँ ऐसा क्या करूँ जो इसकी बुद्धि खुल जाए, कुछ तो करना पड़ेगा अगर नहीं किया ना
तो सिर्फ वही नहीं, कॉलेज के और बच्चे भी उसका देखा देखी काम करने लगेंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं किया ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर मैं ऐसा क्या करूं? सोचना तो पड़ेगा। और युविका काफ़ी कुछ सोचने बैठती है कि क्या किया जाए उसके साथ ऐसा, जिससे वो कॉलेज आना ही बंद कर दे। क्या करूं मैं उसके साथ ऐसा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किस लेवल तक जाऊं, कुछ ऐसा करूं कि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो, जैसे कल मुझे हुई है पूरे कॉलेज के सामने, अपने पापा के सामने, मतलब जैसे आज हुई है। ये सोचते सोचते रात हो जाती है, उसकी मॉम उसको बुलाती है खाने के लिए, तो मना कर देती है, कहती है मुझे नहीं खाना। तो कहती है अब खाने से क्या प्रॉब्लम है, कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। और उसकी मॉम काफ़ी कहती हैं लेकिन वो नहीं मानती, कहती बोल देना नहीं खाना, प्लीज़ मेरा दिमाग ना खाओ, आप लोग जाओ यहाँ से, नहीं खाना है मुझे खाना वाना। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और युविका अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और अगली मॉर्निंग जब उठती है तो रेडी होती है और कॉलेज जाती है। सबसे पहले वो कॉलेज पहुँचती है और जाके चुपचाप उस जिस बेंच पे वो बैठती थी युविका, सॉरी रूही, वो उसको नीचे से क्रैक कर देती है। इतना वो दिमाग चलाती है, उसको नीचे से क्रैक कर देती है। और उस जो चेयर होती है उसकी, उसके नीचे कंपास लगा देती है और कुछ इस तरह सेट करती है कि वो दिखाई ना दे। बहुत दिमाग चलाती है युविका अपना, मतलब कंपास, पहले तो उसकी चेयर क्रैक करती है, उसके बाद कंपास को इस तरह फिट करती है कि वो रूही को ना दिखाई दे। तो अब थोड़ी देर में सारे बच्चे आने लगते हैं तो युविका अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। तो एक लड़की उसमें होती है, वो देखती है कि यार युविका तो अभी क्लास में थी और युविका इतनी जल्दी आने वाले में से तो नहीं है, इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या बात है। तभी रूही भी अंदर आती है, कहती है सब बाहर हैं, तुम क्लास में अकेली क्या कर रही हो। तो कहती है तुमसे मतलब, क्योंकि रूही से कोई ढंग से बात नहीं करता है कॉलेज में। तो रूही कहती है मैंने तो ऐसे ही जर्नल क्वेश्चन कर लिया था, तुम्हें जो है नहीं बताना मत बताओ। तो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी युविका इतनी देर तक क्लास में कर क्या रही है, मैं तो ये सोच रही थी और कुछ नहीं। कहती है ओह अच्छा ये बात है कि हाँ, कहती है कर रही होगी कुछ, चलो। तो लोग ऐसे ही ग्राउंड में घूमते रहते हैं और पहला पीरियड स्टार्ट होता है। तो पहला पीरियड स्टार्ट होता है तो सब लोग क्लास में आते हैं, तो रूही भी क्लास में आती है और युविका उसको देखती है बड़े ध्यान से कि अब बैठेगी अपनी चेयर पे, अब बैठेगी। और युविका कभी चेयर को देखती है, कभी रूही को देखती है और चुपचाप स्माइल कर रही होती है। तो रूही युविका के पास जाती है, कहती है कि हे लिसन। तो युविका कहती है हाँ बोलो। कहती है बहुत स्माइल पास कर रही हो। कहती है क्यों, तुमसे पूछ के करूँगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, तुमसे मतलब, मेरे ना किसी भी मैटर में टांग मत अड़ाया करो। रूही कहती है नहीं मुझे लगा कोई खास वजह हो या कल अपनी हरकत याद करके स्माइल कर रही हो। तो युविका को कल की बात जैसे याद आती है तो उसे और गुस्सा आता है और कहती है शट अप रूही, मेरे से ना पंगा मत लो, जाके अपनी सीट पर बैठो। कहती है बैठ जाऊंगी, तुम्हें क्या दिक्कत है। कहती बैठती क्यों नहीं हो, जाओ ना यहाँ से, मेरे सर पे खड़ी रहोगी, दिमाग ख़राब करके रखती है, मेरा हटो यहाँ से मेरे पास से बिल्कुल। तो कहती है बैठ जाऊंगी, इतनी आफत किस बात की है। कहती है रूही मत मेरा दिमाग खाओ, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो रूही कहती है कि आज तो मुझे तुम्हारी सीट पर बैठना है। तो युविका कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं कह रही हूँ यहाँ मेरे से पंगे ना लो, तुम हटो यहाँ से, इस सीट पे कभी कोई नहीं बैठा, सिर्फ मैं बैठी हूँ, मैं ही बैठूँगी। तो रूही कहती है ओह अच्छा ऐसा है,
बैठूंगी तो मैं ही, चाहे जो हो जाए। वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे उस वहाँ से उठा देती है। तो युविका कहती है, क्या बदतमीजी है यार ये। क्लास में तभी टीचर आ जाते हैं तो रूही एकदम से घूमती है युविका को साइड में करती है और जाके उसके चेयर पे बैठ जाती है। तो युविका वहाँ खड़ी रह जाती है और टीचर सामने होते हैं, इसलिए युविका ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती। तो उसके टीचर बोलते हैं, युविका तुम बैठती क्यों नहीं हो। तो कहती है, सर ये मेरी सीट पे बैठ गई है, मैं कैसे बैठूँ आप बताइए। कहते हैं कि क्या सीट सीट लगा रखा है, नाम लिखा है क्या सीटों पर। तो कहते हैं कि प्लीज़ ना, मैं अपनी सीट पर बैठूँगी, अदरवाइज़ कोई सी भी सीट पर नहीं बैठूँगी। तो सर कहते हैं, मुझे क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद मेरी और भी क्लासेस हैं, यहाँ बैठ के मैं ना तुम लोगों के भी षड्यंत्र नहीं सुनता रहूँगा, लड़ाइयाँ नहीं सुनता रहूँगा बेवजह की। बैठो जाकर, वो सीट खाली है उस पर बैठो। तो युविका कहती है, सर मैं नहीं बैठ रही उस सीट पर, वो इसकी सीट है, मैं नहीं बैठूँ उस पर। तो रूही कहती है, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सीट पर बैठने में क्या हो जाएगा, ऐसा भी क्या चला जाएगा सीट पर बैठने से, कुछ भी नहीं जाने वाला सीट पर बैठने से, तो बैठ जाओ बैठ जाओ। हम सर के सामने तुम सर के इंसल्ट, तुम तो सभी की करती हो ना इंसल्ट, इसमें सर कोई न्यू बात नहीं है, ये तो सभी की करती हो, तो आपकी भी कर रही हो, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना सर। तो सर कहते हैं, युविका तुम बैठ रही हो या मैं सीधे तुम्हारे पापा से बात करूं। अब तो युविका की हालत ख़राब हो जाती है पापा का नाम सुनते, क्योंकि पापा ट्रस्टी होते हैं कॉलेज के, और अगर पापा के सामने ये बात गई कि ये टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो बहुत ज़्यादा बात बिगड़ सकती थी। तो वो थोड़ी देर खड़ी रहती है, तो टीचर उनके कहते हैं, ठीक है तुम्हें नहीं माननी है ना किसी की बात, देखो बाकी टीचर्स तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे, बट मैं नहीं, ठीक है, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, और नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को अभी कॉल करता हूँ। तुम्हारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, इसलिए चुपचाप बैठो। तो युविका फिर भी नहीं बैठ रही होती, वो तो अंदर से काफ़ी डरी हुई होती है कि अगर मैं बैठ गई तो क्या होगा। तो रूही कहती है, बैठो बैठो युविका, बैठो यार, क्या हो गया तुमको, हाँ क्लास अटेंड करनी है हमें, तुम्हारी वजह से सार सबका जो है क्लास मिस हो रही है ना, सबको कितना नुकसान हो रहा है, तो बैठ जाओ यार बैठ जाओ। देखो सर की भी बात नहीं मानोगी, सर की भी तोहिन करोगी, अब ये काम करोगी तो मत करो, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं करती हूँ, सर भी नहीं करते ना, बैठ जाओ चुपचाप। ये रूही को देखते और कहते, तुम तो चुप ही रहो, मैं बता रही हूँ, ऐसा ना हो तुम मेरे से मार खा जाओ क्लास ख़त्म होते होते तक। तो कहती है, देखा सर इसके बोलने की तमीज़ देखी, कैसे बात करती है ये, इसको तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की, क्या करें सर, सर आप क्लास दे दीजिए, जाने दीजिए, ये तो किसी की नहीं मानती, सर तो आपकी कहाँ से मानेगी। तो सर कहते, ऐसे कैसे नहीं मानेगी, किसी की नहीं मानती, आई डोंट केयर, बट इसे मेरी तो सुननी पड़ेगी, अगर इसने मेरी नहीं सुनी ना तो आज क्या होगा ये खुद भी नहीं सोच सकती है। तो वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कहते हैं, तुम मत सुनो, तुम खड़ी रहो युविका, अब मैं सीधे तुम्हारे पापा से बात करूँगा। और ये कह के वो फ़ोन का नंबर, फ़ोन निकाल के और उनके पापा का नंबर डायल करने लगते हैं। तो युविका एकदम से सर के पास आती है और उनका फ़ोन छीन के फ़ोन कट कर देती है और कहती है, सर 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 मैं बैठ रही हूँ, पापा को कॉल मत कीजिए, मैं बैठ रही हूँ। कहते हैं, बैठो, मुझे क्लास अटेंड करनी है ना, बैठो जल्दी बैठो, दिमाग ख़राब करके रख दिया तुम लोगों ने, बस और कुछ नहीं, बैठो चलो। तो फिर युविका के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं क्लास छोड़ के बाहर भी गई तो भी सर पापा से कंप्लेन कर देंगे, और वो नहीं चाहते थे कि वो कॉलेज की बात पापा तक जाए। वैसे ही कल पापा ने काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील किया है मेरी वजह से। तो ये सोच के उसके पास जब कोई चारा नहीं होता तो वो धीरे धीरे रूही के चेयर की तरफ बढ़ रही होती है कि मैं आराम से बैठ जाऊँगी साइड होके, कुछ नहीं होगा। तभी रूही अपनी चेयर से खड़ी होती है और उसको अपनी चेयर की तरफ धक्का दे देती है ज़ोर से। तो युविका एकदम से उसकी चेयर पे जाके बैठती है और जैसे ही वो मतलब अचानक में धक्का देती है तो पूरे ज़ोर के साथ वो चेयर पे गिरती है और चेयर नीचे से टूटती है और वो कंपास उसे बुरी तरह चुभता है और उसके मुंह से ज़ोर से आह निकलती है।
क्लास के सब लोग हंसने लगते हैं, सर भी थोड़ा सा स्माइल आती है उनके फेस पे, लेकिन फिर वो भाई टीचर होते हैं इसलिए चुप हो जाते हैं और कहते हैं ये चेयर कैसे टूटी, और आके उसको हाथ देते हैं। अब उसकी तो बहुत बुरी हालत होती है क्योंकि कंपास भी उसका चुप चुका होता है, तो युविका सिन्हा खड़ा हुआ जा रहा होता है और रूही उसको देख के हंसती है, कहती है युविका, तो युविका उसकी तरफ घूर के देखती है, तो सर कहते हैं आज की क्लास यहीं डिसमिस करता हूँ, तुम लोगों ने ना दिमाग ख़राब करके रख दिया है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हो तुम लोग। और वो गुस्से में क्लास से बाहर चले जाते हैं। रूही युविका के पास आती है और कहती है क्या हो गया युविका, इतनी चीप हरकत, सीरियसली चेयर तोड़ के रख दी है तुमने मेरी, हाँ, और तुम्हें लगा मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं आगे इस चेयर पे बैठ जाऊँगी, वाओ युविका वाओ। और वो कंपास जो तुमने ऐसे फिट किया था जो मुझे ना दिखे, तो ऐसे हाथ पीछे लेके जाती है युविका के, और वो कंपास उसे चुभा हुआ होता है तो उसे निकालती है जोर से, तो युविका और तेज चिल्ला पड़ती है। और वही कहती है हाय क्या हाल हुआ होगा ना तुम्हारा, ये हाल तो मेरा करना चाहती थी ना, इसी को कहते हैं जब किसी के लिए कुआं खोदो ना तो खुद गड्ढे में गिर पड़ता है। क्या होगा तुम्हारा युविका, गलत जगह पंगा लिया है तुमने, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ में क्या क्या करती हूँ। ये कह के रूही क्लास से बाहर चली जाती है और युविका सबके सामने एक बार फिर से एम्बेरसमेंट फील करती है। तो अब देखेंगे, कल सुनेंगे कि युविका क्या करती है। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।